अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6 o'clock और मेरे हस्बैंड उठ गए हैं ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए। तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी। ये चिकन पैटीज़ ली है मैंने, ये रेडीमेड चिकन पैटीज़ हैं। इसको मैं एयर फ्रायर में डालकर फ्राई कर लूँगी। 10 मिनट्स का टाइमर लगाया है मैंने और ये फ्राई हो जाएंगी। तब तक मैं बर्गर के लिए वेजीज कट कर लूँगी। बर्गर लिया है मैंने, इसको मैं बीच से कट करके बटर लगा के बीच से फ्राई कर लूँगी। ये चिकन पैटीज पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया है और इसको वापस रख दिया है मैंने फ्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने वेजीज में सिर्फ टोमेटो और लेटस लिया है। आप चाहें तो इसमें अनियंस और क्यूकम्बर भी लगा सकते हैं, मैं यही दोनों चीज़ें लगाऊंगी सिर्फ। फिर मैंने एक साइड लगा दिया है मस्टर्ड सॉस और एक साइड लगाई है मेयोनीज। फिर टोमेटो रख देंगे और चिकन पैटीज मेरी फ्राई हो गई थी वो रख देंगे और ऊपर से लगाऊंगी मैं चीज़ स्लाइस और बस ये लेटस लगा के ऊपर से ये मेयोनीज वाला पार्ट ऊपर से रख देंगे। बस हो गया हमारा चिकन बर्गर रेडी। और ये मैं टिश्यू पेपर इसको रैप कर दूंगी और ये टूथपिक से इसको फिक्स कर दूंगी। बस हो गया है ये ब्रेकफास्ट रेडी और इसमें मैं 2 स्लाइस केक के रख दूंगी। कल केक बनाया था मैंने, वनीला केक है ये। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आ गई थी अपना लेमन वाटर लेकर। ये सुबह को मैं लेमन वाटर पीती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। हाफ एन आवर वॉक करती हूँ। मैंने देखा मधिया सो रही है और मैं चुपके से निकल जाऊँगी। तो मैं आ गई थी वॉक करने के बाद अंदर। मधिया को उठाया मैंने, उसको ब्रेकफास्ट कराया और फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी केलॉग्स की। मैं ब्रेकफास्ट में यही सब लेती हूँ। एक्चुअली मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट में केलॉग्स के, कभी ओट्स का चीला, कभी ओट्स स्मूदी, यही सब खाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। तो मैं ये ले लूँगी। इसमें थोड़ा से नट्स कुछ भी डाल सकते हैं आप, कभी बादाम कट करके डाल देती हूँ बस और इसको मैं खा लेती हूँ। बस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर मैं उसके बाद मैंने मधिया को तैयार किया, सारा क्लीनिंग घर क्लीन किया। फिर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। आज मैं लंच में बनाऊंगी भिंडी और ये दलिया है मधिया के लिए, बनाऊंगी दलिया। तो मैंने उसका दलिया चढ़ा दिया है, उसका दलिया बन जाएगा तो मैं भिंडी बना लूँगी।
मदिहा का दलिया चेक कर रही थी, अभी और गलना है इसको। अभी मैंने और सीटी के लिए लगा दिया है। यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी मैं हमेशा आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो इसमें ऑयल और हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में गार्लिक चॉप करके डाला, अनियन डाली और एक ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और इसको अनियन को फ्राई कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ मसाला राइस आलू मटर डाल के। तो उसके लिए मैंने आलू काट कट कर लिए हैं, और ये फ्रोज़न मटर ली है, और मैंने राइस को भिगो दिया है। ये मेरी अनियन फ्राई हो गई, तब तक इसमें टमाटो डाली। टमाटो अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और सॉल्ट डाल देंगे, और बाद में थोड़ा सा लेमन जूस डालें और ग्रीन। स्लो टू मीडियम आंच पे इसको बस पकाना है, और इसको मैंने साइड में कर दिया है, तब पक रही है। मैंने दूसरे चूल्हे पे राइस बनने के लिए रख दिया है। इसमें कुकर में मैंने ऑयल डाला है, इसमें डालूंगी मैं ज़ीरा और प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च लौंग बस। और इस अनियन को फ्राई करने के बाद इसमें आलू जो मटर काट के रखूँगी। जब अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये आलू जो काट के रखे थे वो मटर डाल दूंगी। और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी 3 बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च धनिया और नमक। इसको अच्छे से भूनना है। फिर भूनने के बाद ये थोड़े से टमाटर भिंडी के बचे थे वो डाल दिए थे मैंने, वरना टमाटर नहीं डालती हूँ मैं इसमें। ये तब तक मैंने भिंडी देखी, चेक कर, ये हो गया, भिंडी ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। राइस के लिए मैंने पानी डाल दिया था, और राइस मेरे बनके तैयार हो गए थे, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे लंच के लिए, वो ऑफिस से लंच के लिए आते हैं। तो मैंने अपने लिए भिंडी बनाई थी, और उसके लिए उसके साथ बनाई थी मल्टी ग्रेन रोटी खाती हूँ मैं, और हस्बैंड के लिए राइस बनाए थे, थोड़ी सी रोटी भी खाएंगे वो। तो हमारा लंच हो गया था, या मध्या बैठ जाती है लंच करने के लिए, थोड़े बहुत राइस खाती है वो, प्रॉपर साथ में नहीं खा पाती है, उसको मैं बाद में अलग से खिलाती हूँ खाना। तो हस्बैंड का खाना हो गया था, वो खाना खा के चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैं जा रही हूँ मदिहा को लंच कराने के लिए। बहुत बड़ी जंग लड़ने जैसा है ये। मैं सोचती हूँ पता नहीं वो कब खाएगी अच्छे से। इधर से उधर दौड़ाती है मुझे खाते हुए, बहुत परेशान करती है। फिर उसको मैं खाना खिला के सुला देती हूँ, फिर वो सो जाती है 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद हो गई थी असर। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के प्लांट्स को पानी दिया, फिर मैं आ
थी किचन में मैंगो कट कर रही थी। मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैं मैंगो कट करके रख रही थी, वो आएंगे तो मैं उनको दूंगी। तो बस यही था मेरा आज का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।